नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी टेक इन्फो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि अपने वीडियोज में हम ब्लैक बार को कैसे ओपन कर लेते हैं। तो अपना फिल्मोरा सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो स्टॉक फुटेज, तो मैं इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके टाइम लाइन पे ले आता हूँ एक एक करके। तो एक फुटेज यहाँ पर आ गई है, इसके बाद मैं दूसरी फुटेज को भी यहाँ पर ले आता हूँ, तो दोनों फुटेज यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हमें करना क्या है आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लाइन को जूम कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ भी आपको सिनेमेटिक इफेक्ट चाहिए उतना वीडियो आपको सेलेक्ट करके क्रॉप कर लेना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा वीडियो प्ले करके देख लेता हूँ पहले कि कहाँ तक ठीक रहेगा। तो यहाँ तक हमें सिनेमेटिक इफेक्ट चाहिए अपने वीडियो में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉपिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दीजिए क्लिक करके, तो ये स्प्लिट हो जाएगा और जो फालतू का वीडियो है उसे डिलीट कर दीजिए। तो हमारा वीडियो डिलीट हो चुका है। इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पर ओवरले में जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है सिनेमा 21.9 एस्पेक्ट रेशियो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फुटेज के नीचे ले आना है। तो यहाँ पर हम ले आएंगे और इसे यहाँ से पकड़ के खींचेंगे पूरा जहाँ तक हमारा वीडियो है। इसके बाद हमें सिंपली करना क्या है, प्लेहेड को ले जाते हैं शुरू में और यहाँ पर उस वीडियो पर क्लिक करना है जिस वीडियो में आपको सिनेमेटिक इफेक्ट देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में सिनेमेटिक इफेक्ट लग चुका है लेकिन ब्लैक बार ओपन नहीं हो रहे। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लैक बार ओपन नहीं हो रहे, तो हमें ओपन करने के लिए क्या करना होगा, एक वीडियो पे क्लिक करना है और जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉप एंड जूम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है क्रॉप का, दूसरा है पैन एंड जूम का। तो आपको पैन एंड जूम पे क्लिक करना है। पेन एंड जूम पे क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर आप 16.9 सेलेक्ट है या 4.3 सेलेक्ट है तो आप इसे मैनुअल पे क्लिक कर लीजिए और मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एनिमेशन के ऑप्शन आपको दो मिल जाते हैं, यहाँ पर नीचे वाले पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही नीचे वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बीच का जो एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसे यहाँ से पकड़ के राइट साइड में खींच देना है और इसे यहाँ से पकड़ के लेफ्ट साइड में खींच देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ ये पहला बिंदु मान लीजिए, इसे दूसरा बिंदु मान लीजिए। तो इसे ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है जहाँ प्लस का निशान है, तो मैं यहाँ तक इसे खींच देता हूँ। इसी प्रकार से इसे भी नीचे से ऊपर की तरफ खींच देता हूँ, यानी कि प्लस के निशान को बिल्कुल आपस में मिला देना है जितना आप मिला सकते हैं उस हिसाब से, जिससे कि ये वीडियो आपका बिल्कुल सेंटर में ही रहे। तो मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद हमें सिंपली ओके कर देना है और जैसे हम ओके करेंगे हमारा सिनेमेटिक इफेक्ट ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बहुत ही स्मूथली यहाँ पर प्ले हो गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। लेकिन यहाँ पर अभी एक कमी है, कमी ये है कि दूसरा वीडियो जो आता है एकदम अचानक से आ जाता है, इसका भी हमें कुछ उपाय करना होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये दूसरा वीडियो अचानक से यहाँ पर आ गया है। इसका उपाय ये है कि आपको जाना है ट्रांजेक्शन में और यहाँ पर सर्च करना है फेड, तो मैं डाल देता हूँ और फेड सेलेक्ट करते यहाँ पर फेड का ऑप्शन आ जाएगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोनों वीडियोज की फुटेज के बीच में लगा देना है। तो मैं अब आपको इस वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अलावा इसमें आप एक और इफेक्ट दे सकते हैं, उसके लिए आपको जाना होगा ओवरले में, तो ओवरले में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला जो वीडियो है वो ब्लू कलर का है, दूसरे में मल्टीपल कलर है, इसके लिए आपको इसको मैचिंग करने के लिए ओवरले यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी ओवरले आपको पसंद आता है वो यहाँ पर दे दीजिए। तो मैचिंग मुझे करानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिनेमेटिक इफेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा नीचे कर देंगे यहाँ पर और इसके बाद यहाँ से एक ओवरले हमें ले लेना है जो कि हमारे दोनों वीडियो में मैच कर जाए। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कौन सा हमारे वीडियो में मैच करेगा। तो हमें इवनिंग का चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इवनिंग वाला इफेक्ट है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आऊंगा मैं टाइम लाइन में यहाँ पर। और अब हमें क्या करना है, टाइम लाइन को थोड़ा जूम करेंगे अब, और ये वाला जो ओवरले इफेक्ट है इसको आपको करना क्या है, आपका जो ट्रांजेक्शन है उससे थोड़ा पहले इसको रखना है और दूसरी साइड से इसको बिल्कुल कम कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक हम इसे छोड़ देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को प्ले करके देखना है और देखना है कि हमारा सिनेमेटिक इफेक्ट बिल्कुल बढ़िया तरह से अप्लाई हुआ है कि नहीं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो सिनेमेटिक इफेक्ट है वो यहाँ पर लग चुका है। तो आशा करता हूँ मेरा आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।